देखें ग्रामीण न्यूज यूट्यूब पर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, स्वागत है आपका ग्रामीण न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शुभ शुक्ला। इस समय अगर बात करें देश की, तो 2019 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इस समय पूरे देश की राजनीति गर्म हो गई है। इसके साथ उसमें सबसे बड़ी वजह है राम मंदिर निर्माण को लेकर, क्योंकि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते हैं वैसे वैसे राम मंदिर की हवा का रुख भी देश में तेज हो जाता है। हालांकि इस समय अगर देखें तो भाजपा सरकार और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए फिलहाल राम मंदिर पर अध्यादेश न लाने वाला बयान भारी पड़ता दिखाई दे रहा है, क्योंकि हिंदूवादी संगठन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना कर रहे हैं, जिसकी वजह से राम मंदिर के मुद्दे पर भाजपा अपनों के बीच ही फंसती नजर आ रही है। क्योंकि हाल ही में RSS के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि अयोध्या में सिर्फ और सिर्फ राम मंदिर ही बनना चाहिए। इधर शिवसेना भी भाजपा को राम मंदिर के मुद्दे पर राजनीति करने की याद लगातार दिलाती रहती है। मोहन भागवत का ये बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान के बाद आया, जिसमें उन्होंने कहा था कि न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही राम मंदिर पर अध्यादेश के संबंध में कोई फैसला हो सकता है। हालांकि उन्होंने जोर दिया कि केंद्र अपनी सभी जिम्मेदारियों को अपनी तरफ से पूरी तरह करने का प्रयास करने को हमेशा तैयार है। वहीं दूसरी तरफ बीते बुधवार को इससे पहले विश्व हिंदू परिषद ने कहा था कि हिंदू राम मंदिर पर अदालत से आने वाले फैसले का अनंतकाल तक इंतजार नहीं कर सकते। इसके निर्माण की दिशा में आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता कानून बनाना ही है। नागपुर के सेवादान स्कूल के एक कार्यक्रम में भाषण देते हुए RSS प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि वो लोकसभा चुनाव के नतीजे को लेकर निश्चित नहीं है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के इंटरव्यू के बाद जो कुछ भी RSS के महासचिव भैया जी यानी कि जोशी जी ने कहा, उसका वो पूरी तरह समर्थन करते हैं। क्योंकि जोशी जी ने कहा कि प्रधानमंत्री चाहे जो भी कहें, मेरा इस मुद्दे पर पक्ष बिल्कुल स्पष्ट है। इसके साथ ही मोहन भागवत ने कहा कि हमारी भगवान राम में आस्था है और अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए, यही हमारा विश्वास भी है। गौरतलब है कि जोशी के राम मंदिर को लेकर PM मोदी के बयान के बाद अपने बयान में उन्होंने कहा था कि RSS अपने रवैयों को लेकर पूरी तरह अडिग है, क्योंकि अयोध्या में मंदिर निर्माण के लिए कानून पारित किया जाए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि उन्हें PM मोदी के बयान के बारे में नहीं पता, लेकिन देश में हर कोई यही चाहता है कि राम मंदिर का निर्माण हो। वहीं साल के पहले दिन यानी कि 1 जनवरी को RSS के ट्विटर हैंडल से दत्तात्रेय होसबले के हवाले से ट्वीट करते हुए उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2014 में BJP के चुनावी घोषणा पत्र में अयोध्या राम मंदिर बनाने के लिए संविधान के दायरे में उपलब्ध सभी संभावित प्रयास करने का वादा किया है, हालांकि अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया। जाहिर है कहीं ना कहीं इस समय राम मंदिर जैसा मुद्दा भाजपा की एक कमजोरी बन गया है, क्योंकि राम मंदिर निर्माण को लेकर सरकार बनाने वाली भाजपा अभी तक इस पक्ष में कोई ठोस कदम नहीं उठा पाई, जिसके चलते तमाम हिंदूवादी संगठन भाजपा से निराश होते दिखाई दे रहे हैं। हल्ला और शोरगुल वाली खबरों से दूर रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। देखिए ग्रामीण न्यूज़ यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।